फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास फिटनेस गाइड वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ स्विमिंग एक्सरसाइज के बारे में। स्विमिंग एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या क्या है और कैसे स्विमिंग आपकी फैट लॉस में हेल्प कर सकती है, सबसे बड़ा टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो स्टार्ट करने पहले सबसे पहले तो आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट्स मिलती रहे। तो आज का टॉपिक यही है कि आपकी स्विमिंग कैसे फैट लॉस में हेल्प करती है और कौन कौन सी मसल्स ड्यूरिंग स्विमिंग जब आप करते हैं तो आपकी वर्क करती हैं और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपके स्विमिंग करने से। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, स्विमिंग एक तरीके के कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है जो कि आपके हार्ट को स्ट्रांग करती है और इट ऑल्सो इम्प्रूव द ऑक्सीजन सिस्टम इन योर बॉडी। मतलब कहने का मतलब है, ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसफर करती है जगह जगह और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। स्विमिंग एक बहुत अच्छी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है जो आपके आपके हार्ट मसल्स को स्ट्रांग करती है। और जब आप स्विमिंग एक्सरसाइज को जब आप करते हैं तो मेनली आपकी कौन कौन सी टारगेट मसल जो है यूज़ करती है वाइल जब आप स्विमिंग करते हैं, तो कौन कौन सी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मसल्स यूज़ होती है वाइल डूइंग स्विमिंग। जब आप स्विमिंग करते हैं ना तो आपकी पहले जो मसल्स है, जब आप स्विमिंग करते हैं तो आप हाथों को इस तरीके से चलाते हैं। जब हाथों को आप चलाते हैं तो आपकी लैटिस डॉर्सी हो गई, आपकी अपर बैक हो गया, आपका बाइट मेजर हो गया, आपका रोटेटर कफ हो गया, ये सारे इसमें वर्क करते हैं। और रोटेटर कफ आपका पूरा मूवमेंट करता है, तो एक तरीके से प्राइमरी मसल ये है। सेकेंडरी मसल जैसे आपके टॉर्सोस हो गए, आपकी हैमस्ट्रिंग हो गई, आपका आपकी हैमस्ट्रिंग हो गई, आपके टॉर्सो हो गए, आपके इवन आपकी बैक मसल्स हो गई, तो ये सब आपके वर्क करते हैं। इवन आपके फोरआर्म से ये भी आपके वर्क करते हैं कि फोरआर्म जो है ये आपके वर्क जरूर करेंगे कि फोरआर्म से आपके तरीके की सेकेंडरी मसल्स है जो आप वर्क करती है, प्राइमरी मसल से भी ये आपके वर्क करती है जो कि आपको आगे ले जाने में हेल्प करती है, पानी के आगे बढ़ाने में। तो ये सारी मसल ड्यूरिंग स्विमिंग आपकी सारी एक्सरसाइज करती है। और स्विमिंग फैट लॉस में बहुत ज़्यादा करती है। अगर आप स्विमिंग लगातार 2 से 3 घंटे करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डेवलप होने लगती है। ऑक्सीजन क्या करती है, पहले आपकी बॉडी कार्ब से एनर्जी लेना स्टार्ट करती है, फिर भी आप लगातार स्विमिंग करते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन से एनर्जी लेना स्टार्ट करेगी। लास्ट में आपका ड्यूरिंग स्विमिंग में आपके जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बचेगी तो आपकी बॉडी फैट्स से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देगी, तो अब आपका फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कि हम लोग कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। तो स्विमिंग तरीके की एरोबिक एक्सरसाइज है। एरोबिक मींस विद ऑक्सीजन, जब आप ऑक्सीजन के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो उसे हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। और स्विमिंग एक कार्डियो एरोबिक एक्सरसाइज है जो कि आपके हार्ट को स्ट्रांग करती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है और आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी ऐसी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने में हेल्प करती है। अगर किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नींद कम आती है, मोटिवेशन कम है, तो यार इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप स्ट्रेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, यार स्विमिंग करो। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये आपको स्ट्रेस से बाहर निकालने में हेल्प करेगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करेगी, इवन आपके आपके ओवरऑल इंप्रूवमेंट, आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी हेल्प करती है, आपका स्टैमिना जनरेट करने में हेल्प करती है, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से आपको निकालने में मिलेगी, निकालने में आपकी हेल्प करती है, आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी से बीमारी से आपको दूर रखती है। तो स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू इम्प्रूव योर फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो आप दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं स्विमिंग करें तो आज ही स्विमिंग करके ज्वाइन कीजिए, ये आपकी बेस्ट एक्सरसाइज है, आपकी बेस्ट दोस्त है आपको फिजिकल फिटनेस देने में। थैंक यू दोस्तों, दिस इज विकास। हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है।